हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं न्यूक्लियस, और इसके साथ ही गाइस हम सेल बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है खत्म करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से। सो गाइस, न्यूक्लियस जो है एज अ सेल ऑर्गेनल पहली बार डिस्कवर करा था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, है ना, एज एन ऑर्गेनल। बट उसके बाद फ्लेमिंग करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि जो है मटेरियल न्यूक्लियस का स्टेन करके उसको स्टडी करा था, और उन्होंने ही उस मटेरियल को नाम दिया था क्या, उन्होंने इस मटेरियल को नाम दिया था क्रोमैटिन, है ना। तो जो क्रोमैटिन वर्ड है वो फ्लेमिंग ने दिया है जब उन्होंने न्यूक्लियस का मटेरियल स्टडी करा था स्टेन करके। तो अगर आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, अगर आप न्यूक्लियस देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो इंटरफेज न्यूक्लियस होता है, इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब है कि वो टाइम जब न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा होता है सेल के अंदर, है ना। तो इंटरफेज के टाइम पर न्यूक्लियस में डिवीजन किसी भी तरीके का नहीं हो रहा होता है ना। तो आपको उसमें जो है कुछ चीजें दिखेंगी। एक आपको दिखेगा क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन एक बहुत ही एक्सटेंडेड फाइबर है न्यूक्लियो प्रोटीन का, है ना। न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर है जो कि थ्रेड के जैसे लंबा सा एक्सटेंडेड है ना। तो एक तो ये हो गया न्यूक्लियस के अंदर। दूसरा क्या होगा? न्यूक्लियर मैट्रिक्स होगा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होगा, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होगा? न्यूक्लियोलस होगा, या प्लूरल अगर मैं बोलूं तो न्यूक्लियोलाई होगा। ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और बाहर से जो है न्यूक्लियस वो कवर्ड किस चीज से होता है? वो कवर्ड होता है न्यूक्लियर एनवेलप से, ठीक है। तो पूरा न्यूक्लियस का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? न्यूक्लियर एनवेलप दिखेगा, ठीक है। उसके अंदर क्रोमैटिन दिखेगा, न्यूक्लियोलस दिखेगा, और न्यूक्लियर मैट्रिक्स दिखेगा, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है। न्यूक्लियर एनवेलप अगर आप देखेंगे ना, तो अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो एक ये न्यूक्लियस है ना। तो आपको ये दो ऐसी लेयर दिखेंगी। तो न्यूक्लियर एनवेलप बेसिकली दो पैरेलल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, और इसके बीच में स्पेस होता है। इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये 10 से 50 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। और बेसिकली ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो क्या कर रहा है? एक बैरियर बना रहा है किसके बीच में? जो मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर है और जो मटेरियल न्यूक्लियस के बाहर है, मतलब साइटोप्लाज्म में है, उन दोनों के बीच में आपका न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो एक बैरियर बना रहा है, ठीक है। अब इसकी अगर आप आउटर मेम्ब्रेन, तो बेसिकली ये आप मान लो आउटर मेम्ब्रेन हो गई, है ना, और ये जो अंदर वाली है ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, है ना। तो जो आउटर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं वो क्या होता है कि कंटिन्यूअस होता है, और वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जॉइन हो जाता है। तो इसी के साथ आप ऐसे देखेंगे ना, तो आपको ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखेंगे। इस पे राइबोसोम्स होंगे, और ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि साइट है प्रोटीन सिंथेसिस का, है ना। तो यही जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इस पे आपको राइबोसोम्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? राइबोसोम्स दिखेंगे, है ना। तो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यू हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिसमें कि राइबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आपको न्यूक्लियर एनवेलप पे और क्या दिखेगा? जो बाहर की, जो आप ये जो बेसिकली लेयर आप देख रहे हैं ना, इसमें आपको ना ऐसे पोर्स दिखेंगे। इसमें आपको बहुत छोटे छोटे पोर्स दिखेंगे। ये पोर, ये ध्यान रखिएगा गाइस कि दोनों मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहे हैं, मतलब पूरा ये एक छेद कर रहे हैं मेम्ब्रेन में, आपके न्यूक्लियर एनवेलप में, ठीक है। और ये जो पोर है ना, यही पैसेज का काम करते हैं
जो कि आपका जब आरएनए का मूवमेंट होता है बाहर, या न्यूक्लियर अगर प्रोटीन का किसी तरीके से मूवमेंट होता है, तो दोनों डायरेक्शन में, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर, दोनों डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है किसी भी तरीके का, चाहे वो आरएनए का हो, क्या चाहे प्रोटीन का हो, या किसी भी मॉलिक्यूल का हो, वो इन पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, वो इन पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियर एनवेलप। तो गाइस एक बार आप चाहें तो डायग्राम भी देख सकते हैं, ये है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो फाइबर दिख रहे हैं ये होते हैं क्रोमैटिन, है ना। जो मैट्रिक्स है वो हो गया न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियो प्लाज्म। यहां पर ये देखिए आपको पोर दिख रहा है, यही है न्यूक्लियर पोर, है ना। ये जो अंदर एक स्फेरिकल बॉडी दिख रही है ये हो गया न्यूक्लियोलस। ठीक है, और ये आपका हो गया न्यूक्लियर एनवेलप। अब ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का। अब गाइस न्यूक्लियस जो है यूजुअली क्या होता है, सेल में एक होता है ना, बट कभी कभी एक्सेप्शंस मिलते हैं और मल्टीपल न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेल में न्यूक्लियस है ही नहीं, जैसे कि बहुत सारे मैमल्स के एरिथ्रोसाइट्स में, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, अब जो आपका न्यू अब आते हैं इस पे न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलाई पर, या न्यूक्लियोलस, ये जो स्फेरिकल बॉडी है ना इस पे, ये देखते हैं क्या है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हमने देख ली, है ना, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो तो हमने देख लिया। अब देखते हैं न्यूक्लियोलस क्या है या न्यूक्लियोलाई क्या है। ठीक है, तो ये ऐसे ही जो ये जो आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसा ही होते हैं। और ये क्या करते हैं गाइस, तो ये बेसिकली क्या करते हैं ना कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का साइट भी हो सकते हैं और आरएनए सिंथेसिस का साइट भी हो सकते हैं। तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, कंटेंट क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस के अंदर सेम ही होता है न्यूक्लियोप्लाज्म जैसा, जो जो न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट है वही न्यूक्लियोलस का कंटेंट है। ठीक है, बस ये है कि न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये साइट होते हैं आरआरएनए सिंथेसिस का। तो एक तो ये साइट है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का और दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस का, दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, अब हमने जो है न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी देख लिया जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, हमने न्यूक्लियोलस भी देख लिया, न्यूक्लियर एनवेलप भी देख लिया। अब देखते हैं क्रोमैटिन क्या होता है। ठीक है, क्रोमैटिन के बारे में देखते हैं। तो गाइस क्या होता है ना कि जब आप अलग अलग फेजेस देखेंगे या स्टेजेस देखेंगे सेल डिविजन के, तो आपको बहुत सारे स्टेजेस में ना बहुत स्ट्रक्चर्ड क्रोमोजोम्स दिखते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इसी क्रोमैटिन फाइबर के बने हुए हैं, तो यही क्रोमैटिन फाइबर कॉइल होकर क्रोमोसोम बना लेते हैं। और ये जो क्रोमैटिन होते हैं, ये जो क्रोमैटिन होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें होता है हमारा डीएनए, है ना। तो यही हमारा डीएनए इन क्रोमैटिन में ही होता है। तो बेसिकली क्रोमैटिन के अंदर डीएनए होगा, हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे जिसमें डीएनए बाइंड होता है। ठीक है, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं और कुछ आरएनए का भी मटेरियल होता है। तो क्रोमैटिन के अंदर डीएनए होगा, हिस्टोन प्रोटीन होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे और आरएनए होगा। ठीक है, अब अगर आप ह्यूमन सेल को देखेंगे तो एक सिंगल ह्यूमन सेल में अराउंड 2 मीटर लंबा थ्रेड दिखेगा डीएनए का। ठीक है, और ये किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये पूरा जो 2 मीटर थ्रेड है ये 46 क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में, है ना। तो आपको एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में ये 2 मीटर लंबा
जो डीएनए है, ठीक है, जो क्रोमैटिन थ्रेड है बेसिकली, वो डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा। ठीक है, अब क्रोमोसोम का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो एक तो उसमें होती है कुछ ऐसी आर्म, है ना, ऐसे आर्म होती है, और एक जगह पर ना एक कॉन्स्ट्रिक्शन सा होता है ऐसा। ठीक है, इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, इस कॉन्स्ट्रिक्शन को बोलते हैं सेंट्रोमियर, और इस कॉन्स्ट्रिक्शन के अराउंड ऐसे एक डिस्क जैसी होती है, इस डिस्क को बोलते हैं काइनेटो कोर, इसको बोलते हैं काइनेटो कोर। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो ये है आपका क्या, ये है क्रोमोसोम, ये क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, इसमें क्या है, दो क्रोमैटिड्स हैं बेसिकली, ये एक क्रोमैटिड है और ये एक क्रोमैटिड है। तो जो क्रोमोसोम के अंदर दो आपको ये दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं क्रोमैटिड। ठीक है, तो बोलते हैं अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। अब गाइस ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं सेंट्रोमियर, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और ये जो आपको रिंग्स दिख रही है कुछ ऐसी, ठीक है, ये जो आपको डिस्क्स या रिंग्स आप बोल लीजिए टाइप का जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर्स, ये है काइनेटोकोर्स। ठीक है, तो यही हो गया आपका स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का। अब क्या होता है ना कि इन क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर की लोकेशन पे, सेंट्रोमियर कहाँ पर लोकेटेड है, वो जो कॉन्स्ट्रक्शन है वो कहाँ पर है, उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। बेसिकली जो आपका ये क्रोमोसोम्स हैं, वो चार तरीके में क्लासिफाई होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि सेंट्रोमियर का लोकेशन क्या है। ठीक है, पोजीशन जो है सेंट्रोमियर का वो क्या है। अब उसके बेसिस पे पहला जो क्रोमोसोम टाइप होता है वो होता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब कि आपका जो सेंट्रोमियर होगा, है ना, जो आपका सेंट्रोमियर होगा, तो ये सेंट्रोमियर है ना, ये मेटासेंट्रिक वाला है। ये क्या है, बिल्कुल मिडिल में है, और आपकी जो दो आर्म्स हैं, ये एक आर्म है और ये एक आर्म है, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये गाइस ना एक तरीके का सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और इसको बोलते हैं सैटेलाइट। ये भी आगे मैं आपको बताऊंगी, इसको अभी के लिए इग्नोर कर दीजिए। पहला है मेटासेंट्रिक, मिडिल में सेंट्रोमियर है जो दो इक्वल आर्म में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, ये जो है ये सब मेटासेंट्रिक है, ये थोड़ा सा एक तरफ शिफ्ट हो गया है, तो ये सेंटर है ना, अब यहां पे ये शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, इसके वजह से क्या हुआ है, एक शॉर्ट आर्म हो गई और ये जो है ये लॉन्ग आर्म हो गई, है ना, तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया मिडल से, जिसकी वजह से एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आर्म। फिर आता है एक्रोसेंट्रिक, इसमें क्या होता है कि ये और एक तरफ के एंड पे शिफ्ट हो जाता है सेंट्रोमियर। अब क्या हुआ कि एक जो आर्म है ये बहुत लॉन्ग हो गई, वेरी वेरी लॉन्ग, और ये एक्सट्रीमली शॉर्ट हो गई, है ना, अगेन ये सेंट्रोमियर है, ये लॉन्ग आर्म है, ये शॉर्ट आर्म है ना, तो ये और शिफ्ट हो गया। और तीसरा, चौथा होता है टीलोसेंट्रिक, मतलब टर्मिनल सेंट्रोमियर। इसमें आप देखेंगे तो इतनी बहुत ही छोटी शॉर्ट आर्म है, ये ऑलमोस्ट टर्मिनल पे आ गया है, ये बोलो कि टर्मिनल पे आ ही गया है ना, तो एकदम ये टर्मिनल में पहुंचने से एक आर्म तो बहुत ही छोटी हो गई, दूसरी वाली बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई। तो चार तरीके के जो सेंट्रोजोम्स होते हैं, सॉरी क्रोमोजोम्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सेंट्रोमियर का लोकेशन, वो क्या होते हैं, मेटासेंट्रिक, मतलब कि सेंट्रोमियर इन द मिडल और इक्वल आर्म्स है, सब मेटासेंट्रिक,
मतलब मिडल से थोड़ा एक तरफ शिफ्ट हो गई, तो उसके वजह से एक शॉर्ट आर्म हो गई और एक लॉन्ग आर्म हो गई। एक्रोसेंट्रिक मतलब और टर्मिनल की तरफ शिफ्ट हो गई, तो अब एक आर्म बहुत ही लंबी हो गई और एक दूसरी आर्म बहुत ही छोटी हो गई। और टीलोसेंट्रिक मतलब ऑलमोस्ट टर्मिनल या टर्मिनल सेंट्रोमियर हो गया, टर्मिनल पे पहुंच गया है ना। तो एक आर्म तो एकदम ही मतलब निग्लेजिबल है और दूसरी बहुत ही ज्यादा लंबी है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है ना गाइस कि कुछ क्रोमोसोम्स पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस भी होते हैं। ठीक है, और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस जो हैं वो छोटे से सैटेलाइट का अपियरेंस देते हैं, एक छोटा सा फ्रैगमेंट। तो बेसिकली ये जो आप हम बात कर रहे थे ना, ये कुछ क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाते हैं और उसकी वजह से एक टर्मिनल पे छोटा सा एक फ्रैगमेंट बन जाता है जिसको बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है, तो वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है ना। सो गाइस इसी के साथ हमने न्यूक्लियस जितना एनसीईआरटी में दिया है उसके हिसाब से कवर कर लिया है ना। आगे हम जब और बुक्स पढ़ेंगे तो हम और डिटेल में जरूर कवर करेंगे, बट अभी एनसीईआरटी के हिसाब से तो हमने कवर कर लिया है ना। सो गाइस आई होप आपको ये न्यूक्लियस वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए। अगर नहीं समझ में आया है तो गाइस मेरे से पूछिए जरूर डाउट्स अपने, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं वीडियो पे, और आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आया है गाइस तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और बेल आइकन जरूर दबाइए, और अपने फ्रेंड्स से जो कि आपके साथ पढ़ रहे हैं उनसे शेयर जरूर कीजिए गाइस ये वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।